मैदान में वहाँ रोटी खिलाने के बाद अग्रवाल साहब का पूरा परिवार अंदर मंदिर में गया है पूजा पाठ करने के लिए, और यहाँ जो बची हुई रोटी है वो यहाँ लेके मैं आ गया हूँ। यहाँ बंदरों को मैं दे रहा हूँ अपने एक निकाल निकाल के, क्योंकि मेला चल रहा है इस समय, भंवरेश्वर का मेला महीनों चलेगा, इस समय बंदर कम भूखे होते हैं, भी छोटा सा बच्चा हमारे घर से नहीं खा पा। भैया देव निकालो खाओ, ये रोटी में जो चिट्टियाँ पड़ जाती हैं ये बड़ी दिक्कत होती है। देखिए आधी खा रहे हैं आधी छोड़ रहे हैं, इतनी महंगी रोटी। अब यह है कि अब यही केवल चना या गेहूँ, बस लोग चना और गेहूँ के हिसाब रखें। लो भैया खाओ, लो उठाओ खाओ। हाँ तुम यहाँ कहाँ गए, चलो नीचे चलो, चल भाई चल, चलो खाना ले ले, ये खा ले, ये उठाओ, चलो खाओ। अब एक से दो ही आएंगे, अब वहाँ नीचे है रहो सब जने। अच्छा अभी कुत्ते हैं भाई तो खाते रहते हैं, बंदरों के लिए आया है राशन, लेकिन चलो इनको भी मिल जाए। निकालो निकालो खाओ। और ढाबे की रोटियां बनी हैं 800 रुपये किलो, बनवाई उसने लिया, अब नहीं ध्यान में था, अब तो लोगों को मना करेंगे भैया गेहूँ भुनवा लो, कम से कम 20-25 किलो या 20-25 किलो चना ले लीजिए, भिगो दीजिए, बस ख़त्म। चना भुनवाइएगा नहीं, चना भुना चना तो बहुत महंगा हो जाता है फिर तो, 9 के लकड़ी 90 खर्च। यहाँ पे 3 मार्च 2012 का सीन आप देख रहे हैं, यहाँ मंदिर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। लो भैया निकालो, झोले में है, आराम से निकालो, इजाज़ फ्री है, एक दिन का पेट भरा हुआ है कुछ ना कुछ। सामने आप सही नदी देख रहे हैं, पुल के उस पार भी अब जाएंगे, एक बोरी रोटी खिलाएंगे। अग्रवाल साहब का परिवार आया है, संतोष अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल और चंदन अग्रवाल, इंदिरा नगर में लोग रहते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं लोग, और तन मन धन से ही ये खर्चा करते हैं, सेवा करते हैं, हनुमान जी की सच्ची भक्ति है। अब आज चंद्रमणि चिरुआ हनुमान मंदिर के पंडित जी ने घोषणा कर डाली, अब उनका बड़प्पन है, ये हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी ही उनके दिमाग में घुस के उनसे बुलवा रहे हैं। तो आज उन्होंने घोषणा किया कि नहीं साधु जी, एक मूर्तिकार रायबली के श्री राम मूर्तिकार जो हैं वो हमको एक भेंट किए थे मूर्त बना करके, तो अब तो जीते जी लोग लगवाते हैं, उनकी इच्छा है, तो हमने कहा बिल्कुल लगवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, कम से कम हम जीते जी हम भी तो देख लेंगे कि हाँ मूर्त लगी है। और बाकी हमको मूर्त लगवा के अखबारों में, अखबार में तो मैं छप रहा हूँ, कितनी कटिंग अखबार की होगी हम गिनती नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना करने के बाद हमारी कभी मंशा नहीं हुई कि हम कहीं चुनाव के लिए सोचें या इलेक्शन में जाएं या किसी नेता के नगरी के पीछे घूमें, कभी सोचा भी नहीं। जो अच्छा काम किया उसकी मैंने प्रशंसा की, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अब रास्ते में हम आ रहे थे तो ये रायबरेली में जो MLC हैं दिनेश सिंह, तो दिनेश सिंह जी कमांडो की गाड़ी पीछे लगी, सनसनाती जा रही थी, मैं मोटरसाइकिल से था चंदन अग्रवाल जी के साथ में, भंवरेश्वर आ रहा था, जो देखी उन्होंने तो गाड़ी को रोकी, रोक करके आशीष मांगा, आशीर्वाद लिया। अब आशीर्वाद कोई मांगता है अपना एक अपने अहंकार को भूल के, तो आशीर्वाद उसके हाथ तो लग ही जाता है। अब अगर ऊपर आप अगर आप देखना चाहें, बच्चे तो नहीं आएंगे, आप आके थोड़ा यहाँ का सीन देख लीजिए, और क्यों सीढ़ी सकरी है तो आप आ जाइए एक मिनट, और मंदिरों में हो लीजिए सब। तो गाड़ी रुकी और उन्होंने आशीर्वाद मांगा, हमने कहा महाराज अब ये आशीर्वाद ले लेके हमको लगता है आप शायद दिल्ली ही के लिए, अब दिल्ली तक ही हो सकता है जाना आपका हो जाए, वरना यह बड़प्पन है उनका, महानता है, दिनेश सिंह MLC रायबली के कमांडो की गाड़ी पीछे लगी, सोचिए आप गाड़ी रोक करके और रास्ते में। उन्होंने कहा कि आप हम समझे आप लखनऊ जा रहे हैं, तो आइए हम आपको लखनऊ तक ले चलें, तो हमने कहा नहीं श्रीमान मैं वहाँ भंवरेश्वर ही जा रहा हूँ, और हमारा सदैव आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। यही बड़प्पन है भाई, अब नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, अगर अहंकार है तो देखिए
सामने तो नहीं कोई कुछ कहेगा, लेकिन ऐसे लोग आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। भाई साधु महात्माओं का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी नम्रता की ज़रूरत है। अगर आप में नम्रता नहीं है तो आप आशीर्वाद क्या पाएंगे। तो यहाँ आप उस पार नदी के, ये सामने सही नदी है, पुल देख ही रहे हैं आप, उस पार वो नाव है भी। परसों शाम को सूरज ढलते ढलते हमने यहाँ का सीन बनाया था। सिविल जज साहिबा आद्या गुप्ता आई थी, उनके पति देव आए थे, राकेश श्रीवास्तवा, उनको तो अगले, हमको तो लगता है वो पिछले जन्म के नहीं, वो जन्म जन्मांतर राकेश श्रीवास्तवा साहब जो है वो जन्म जन्मांतर राजा रहे, और आज भी राजा तो नहीं है लेकिन राजगद्दी आज भी उनके के वो करीब में हैं। और ये उनकी महानता है, बड़प्पन है, बहुत बेचारे अच्छे स्वभाव के हैं। और इनके बच्चे के नाम तो आपने बताए नहीं, तनिष्क बड़ा टेढ़ा नाम लोग काहे ले रखते हो भैया, कहने में तीन बार सोचना पड़े। खैर आइए, यहाँ का सीन है, आप देखिए कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। ये चंदन अग्रवाल भैया जो हमको लेके आए हैं, इनका पूरा परिवार है यहाँ दर्शन कर रहा है, मंदिर में लोग जा रहे हैं, पकड़े रहिएगा। अक्षत जी आ रहे हैं, अब आप लोग ऊपर ना आइएगा सीढ़ी से, आप आइए, आप आ सकते हैं, आइए। नहीं नहीं तार है, आप तो नांग जाएंगे, महिलाएं वहीं रहें, अब सकरी जगह है, और या सीढ़ी पकड़ के आना चाहिए तो टो के आइए, क्योंकि यहाँ का बड़ा मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। आइए और सीढ़ी पर धीरे धीरे आइएगा। हाँ खैर वो तार नंगा नहीं है वैसे, लेकिन हाँ फिर भी सही बात, स्वच्छ अपने हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हर बात आराम से आइए। अरे आप आइए, डरिए मत, या एक काम कीजिए, ये चंदन जी आप चली जाइए, अब आप चले जाएं, उनको ले जाइए साथ में, आप पीछे रहिएगा, बच्चों को यहीं छोड़ दीजिए आप। हाँ ये यहाँ है, हम लोगों के बीच में, आप एक मिनट रुक जाइए, आप आ रहे हैं, ये आइए आइए, धीरे नहीं, बच्चे को गोद में लिए हैं ना, बैलेंस है, हाँ धीरे 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 धीरे, देखो यहाँ देखिए रेलिंग होना चाहिए, हाँ लेकिन कहीं कुछ नहीं, यहाँ सब व्यवस्था। तो इनका पूरा परिवार यहाँ आ गया है, और आप ऊपर वाले सीढ़ी पर भी चढ़ें और ऊंचे से यहाँ का दृश्य देख लीजिए, आइए। आज बंदरों का इस कदर पेट भरा है कि देखिए रोटियाँ पड़ी हैं, दो चार बंदर यहाँ आए खाए चले गए, आज उनका पेट भरा हुआ है, आइए। लेकिन यहाँ हम छत उठ पर के डाल देंगे, आइए, और आगे भैया सीढ़ी पर पानी गिरने का एक मौका है, वो बचाइएगा, हाँ बच्चे का पैर न चला जाए ध्यान रखिएगा, पानी गिरने का एक बीचों बीच में मौका बना है। आइए अग्रवाल साहब आप भी ऊपर चलिए, जितने ऊंचे से यहाँ से देखेंगे तो बड़ा सुंदर दृश्य देखेगा। हाँ आप लोग एक एक जगह खड़े हो जाएं, ये आपका पोज भी आ जाए। हाँ हाँ आप जाइए, और यहाँ पर ये यहाँ जो सुदौली के राजा साहब हैं उन्हीं का मंदिर है, ये मंदिर को बनवाए हैं। यहाँ का मेला एक महीने रहता है, एक महीने से ज़्यादा, अब तो आधा मेला इस समय देख रहे हैं, लेकिन एक महीने भर रहेगा, होली तक चलेगा ये। अब देखिए इधर का दृश्य देखिए, है ना, यहाँ से देखिए यहाँ का दृश्य, आइए आप लोग इधर आइए, इस मनोरम, हाँ यहाँ आइए, अब आराम से दूर तक देखिए, है ना, कितनी सुंदर जगह, कितनी शुद्ध वायु यहाँ पर, और देखिए ये उस पार उन्नाव जिला है जहाँ हम लोग अभी जाएंगे, नदी के उस पार उन्नाव, पुल के उस पार लखनऊ, नाव अगर घुसे पुल के नीचे तो नाव अगर उस पार गया तो लखनऊ, इस पार नाव अगर पानी में है तो रायबरेली,
और उस पार जाइए तो नाव तीन जिलों के बॉर्डर पर ये मंदिर बना हुआ है। अरे स्वयं भू शंकर जी हैं, इनको स्थापित नहीं किया गया, इसलिए बहुत जागृत देवता हैं, बहुत ही जागृत देवता हैं। अब आप लोग नीचे आइएगा। हाँ 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 वही सही, आराम से ऐसे लो, देखो आराम से है। रुक जाइए, उनको बैलेंस बना लें। एक मिनट एक अब हम लोग मंदिर में ये लोग दर्शन कर चुके हैं गाड़ी से, अब हम लोग उस पार जाएंगे और उस पार जाके बंदरों को खाना पीना दे के सोदौली में रुकेंगे दो मिनट के लिए अशोक जी के यहाँ पर, और उसके बाद रायबली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब आप आ जाओ, हम तो अपने बच्चे बच्चे रहेंगे। अब आप लोग बहुत धीरे धीरे हैं, बिल्कुल ना हड़बड़ाइएगा, क्यों सीढ़ी बिना रेलिंग की है। नहीं तो आप ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है, ठीक है। आप पहुंचो वहां पे, क्या नाम है, आप वहां बस से बात करा देना, वो सब आईटीआई निकाल दे देगा, साइन करवा दीजिएगा, ठीक है। ये है, ये हम ला रहे हैं चीज झोले में। राम श्री राम, जय राम, जय श्री राम। अब इस तरह लोगों से बंदर भोज जो मेरे कहने से लोग करते हैं उसमें मेरा भाग अपने आप लगता है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी शक्ति है। लोगों की मनोकामनाएं जैसे जैसे पूर्ण होती रहेंगी वैसे वैसे लोग हमसे जुड़ेंगे और हम बंदरों का भला करते रहेंगे, बंदरों की सेवा करते रहेंगे, हम भला क्या कर पाएंगे, ठीक है। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। अब हम यहाँ कैमरे को बंद कर रहे हैं और हम आ रहे हैं। अब आप लोग गाड़ी के पास चलिए, हम दो मिनट यहाँ दर्शन करके हम आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सद्धामगुजर सब तीर्थों में जाओ, तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, गंगा सागर की जाओ, श्री बद्री नारायण स्वामी जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवान, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र पाल भगवान चंद्र पगड़ पट्टी तमान है चलित रुचि चंद्रम नंदनम श्री मुकुटकुंडल तिलक चारु उदारंगम संग्राम ही अखर दूसरम इति बदेते तुलसीदास शंकर थे सुनी मनोरंजनम मम हरदामादि फल जल गंजनम मम जंगो मिलन सुवर सहज सुंदर साहु करुणा निधान सुजानशील सनिंदन साहु यही भाटी गौरी अशीषी मुझे मन मंदिर चली जान गौरी मंगल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे श्याव रामचंद्र की जय उमापत महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय पवन शुभ हनुमान की जय स्वामी तुलसीदास की जय संतन भक्तन की जय। अब ये होता है, देखिए भक्ति करते करते आज ये स्थिति है कि दो दिन तीन दिन लगातार भौरेश्वर, लगातार भौरेश्वर के दर्शन, बंदर भोज, ये बजरंग बली की सब कृपा है। हमारे खानदान परिवार के लोग हमारा लाखों रुपए लूट करके
और जितनी भी दुश्मनी अदा कर पाए हैं जितनी भी, जबकि उनके लिए हमने हमेशा उनका भला ही चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा कि भूखे रहें, या कभी नहीं चाहा कि मतलब ये दरिद्र हो जाएं, या इनको कहीं भीख मांगना पड़े या मुसीबत, कभी नहीं चाहा। और लूटने के बाद जितना भी दुश्मनी अदा कर सका है ये इंद्राणी और इनका गोपाल का परिवार, जितनी भी दुश्मनी लोग कोई कसर नहीं छोड़े। गांव में सारी संपत्ति में आग लगा दी गई, तहस नहस। हमने सिर्फ हमारा ये क्या मतलब है, उनके कहेंगे तुम्हारे औलाद की कसम है, तुम्हारे आँख की कसम है कि तुम सही बताओ कि तुमने जो ऐसा किया हमारे साथ जो क्यों किया, सिर्फ क्यों बता दो बस, क्यों ऐसा किया। पूरे खानदान में आग लग गई, यही सबके जड़ में है। गोपाल भैया, गोपाल बाबू सबके जल में बैठे हैं। रज्जन को गाली देने वाले वो, रज्जन को बेइज्जत करने वाले वो, रज्जन की संपत्ति ले करके, अरे उसको पैसा मांग रहा नहीं, यही बात राम जी भी कहते रहे कि अरे भाई जो मांग रहा था उसको न दे करके आप न भी देते, और कम से कम उसको बेइज्जती तो ना करते, मैं पूरे ख़ानदान को मरवा दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो हमेशा अपनी वो अपनी ठोकराई दिखाते रहे कि हम दादा हैं, और इसी दादागिरी घुस गई। और उस इतने पर भी उनको नहीं समझ में आया कि हम एक साधु का पैसा मार रहे हैं, कि हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, क्या होगा हमारे बच्चों को, जबकि उनका लड़का गोपाल का वो तो नहीं सीधा है बेचारा, वो बिल्कुल समझिए देवता है, देवता उतना ही सीधा, घर के बच्चे जो बच्चा का लड़का है वो भी उतना ही सीधा है, लेकिन ये नहीं सोचे कि हम इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, अंजाम क्या होते हैं, अंजाम के लिए वो अंजाम देख लें कि महीने में यहाँ 10-10 चक्कर हमारे भोज में यहाँ भौरेश्वर में ही हमारा समय बीत रहा है। आज आज नए लोगों के लेके आए हैं, अग्रवाल लोग हैं, उनका पूरा परिवार रहा। अभी हम परसों आ रहे हैं, आज आए हैं, कल सुखू बाबू आई हैं, तो कल हम फुर्सतगंज में रहते वहाँ बहुत बड़ा काम। अब तमाम लोग हमका जान ही गए ना, हाँ तो नए नए लोगों का लेके आई थे। ठीक है, चलिए तो अब हम कहें भैया यहाँ मैं मंदिर के पुजारी से बात कर रहा था, ये काल भैरव जी हैं। तुम लोग यहाँ के पंडा हो कहाँ? अरे हमका मालूम नहीं रहा। अच्छा तो बड़े बड़े पंडित जी तुम हो, छोटे पंडित जी ये, और इनसे छोटा को है भाई, इनसे छोटा ये है। अच्छा ठीक ठीक, अब और नहीं आई बे तो लोगों से पैसा तुम लोगों के यहाँ चढ़वा देवे है ना, तुम लोगों का मिल जाए। ठीक तो है, चढ़वा पा। अब आज हम अंत अंत रहें बंदर खिलाई रहे ना रोटी लेके, अब जो लोग आए हैं भुआ भुआ हुआ सब अपन चढ़ाई, अब और नहीं आई बे याद रखो, अब और नहीं हमका देखे तो हमका याद दवाए। ठीक हाँ। अब यहाँ हनुमान जी का मंदिर आप देख रहे हैं सामने, उनके दर्शन कर लें। ओ मैं घृ हनुमते राम देताय नम, 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 ओ मैं घृ हनुमते राम देताय नम। ये भवरेश्वर मंदिर का पूरा परिसर आप देख रहे हैं, मैं कैमरे को बंद कर रहा हूँ, रायबली की ओर रवाना मैं हो रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर से जो भवरेश्वर बाबा का पता लगाए थे, यही बाबा जी हैं, महाराज जी यहाँ बाल भगवान से बैठे हुए हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर दो ऐसे, ताकि पूरा चेहरा दिखाई पड़े। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।